अखिलेश यादव भी आज एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं करेंगे। आपको बताएंगे, सबसे पहले लालगंज पहुंचेंगे और फिर भदोही लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभा अखिलेश यादव की होनी है। सुबह करीब 11:30 बजे का समय होगा जब अखिलेश यादव लालगंज लोकसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे अखिलेश भदोही पहुंचेंगे। टीएमसी प्रत्याशी हैं ललितेश प्रतिपति त्रिपाठी और इनके समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे। राम मंदिर का विरोध करने वाले दो लड़के अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। राहुल गांधी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और रायबरेली की जनता को हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं, लेकिन उनका विरोध तब शुरू हो गया जब वो संकट मोचक की मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए और वहां से बाहर निकले। वहीं सीएम योगी ने भी राम विरोधियों को निशाने पर ले लिया और साफ शब्दों में कह दिया, जिसने राम को नकारा जनता उसे नकारने वाली है। देखिए रिपोर्ट। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? क्या मंदिर मंदिर हिंदू वोट बैंक के लिए भ्रमण किया जा रहा है, या फिर राहुल गांधी की मंदिर में पूजा बहुसंख्यकों के बीच मैसेज देने के लिए है? क्योंकि वायनाड के बाद जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वोटिंग के बीच हनुमान मंदिर में पूजा करने चले गए, लेकिन इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के लिए रायबरेली जीतना उतना ही जरूरी है जितना बीजेपी के लिए तीसरी बार मोदी सरकार का बनना। ऐसे में राम मंदिर का विरोध कर चुके राहुल गांधी संकट मोचक की शरण में हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज दे रहे हैं, लेकिन इस क्षणिक पूजा पाठ पर सीएम योगी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम का राम तो हो ही नहीं, इन लोगों ने पहले ही कहा था। और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई, आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना दो। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों की राह सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ रुख कर चुकी है। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी दावा कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। राहुल के साथ मोदी जी हिंदू पर डिबेट कर लें, राहुल गांधी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। तो वहीं एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदुत्व की राह पर चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कभी अखिलेश यादव के करीबी रहे स्वामी मौर्या ने कहा, अखिलेश यादव सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। अखिलेश यादव जी वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ हिंदू हूं। और साफ हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। यानी चुनाव के आखिरी बचे दो चरण में अब लड़ाई हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ चुकी है, जिसकी झलक रायबरेली में दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। थोड़े से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।